हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। और आज मैं अपने नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मसल, मसल फिजियोलॉजी और मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये तीन टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मसल की डेफिनेशन। मसल है क्या बेटा? बेसिकली मसल इज़ मीजोडर्मली डराइव्ड टिश्यू। मसल क्या है? मीजोडर्मली डराइव टिश्यू है। मसल के जो सेल्स होते हैं उन्हें मायोसाइट्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 639 मसल्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट मसल है वो कौन सा है? ग्लूटस मैक्सिमस। ठीक है, और स्मॉलेस्ट मसल मिडल ईयर में प्रेजेंट होता है, स्टेपीडियस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल मसल। हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल होते क्या हैं? स्केलेटल मसल्स आर दी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स, है ना। इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये वॉलंट्री होते हैं, यानी इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरे हैंड का मूवमेंट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है ये स्टेरिएटेड होते हैं, यानी इनकी इनके अंदर क्या देखने को मिलती है? हमें स्टेरिएशंस देखने को मिलती हैं, लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? सिलेंड्रिकल होते हैं। अब उसके बाद बच्चों, अगर मैं एक मसल का ट्रांसवर सेक्शन लेता हूँ, तो ट्रांसवर सेक्शन लेने के बाद हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इसकी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है एक मसल की, उसे हम कहते हैं एपिमाइसियम। इस एपिमाइसियम के अंदर छोटे छोटे फेसिक्यूलाई होते हैं। ठीक है, फेसिक्यूलाई की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, पेरीमाइसियम फेसिक्यूलाई की कवरिंग होती है। इंडिविजुअल फेसिक्यूलाई को फेसिक्यूलम कहते हैं। ठीक है, और फेसिक्यूलाई आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज फेसिया। क्या कहते हैं? फेसिया। अब बेटा, ये जो छोटे छोटे से यहाँ पर तुम्हें मसल बंडल दिख रहे हैं, छोटे छोटे से, इनके अंदर क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल्स। तो बेटा यहाँ पर एक मतलब एक तरीके से हायरार्की है। देखो, सबसे पहले होता है मसल। मसल के अंदर होते हैं फेसिकुलाई। फेसिकुलाई के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स बेसिकली क्या है? प्रोटीन्स। हर एक मसल सेल के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं, थिक फिलामेंट यानी थिक प्रोटीन और थिन प्रोटीन। थिक प्रोटीन कौन से होते हैं? मायोसिन। और थिन प्रोटीन में कौन कौन से आ जाते हैं? एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, जो थिक फिलामेंट्स होते हैं यानी मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं, वो मसल के अंदर डार्क कलर के दिखते हैं। तो ये डार्क बैंड बनाते हैं, जिसे हम ए बैंड भी कहते हैं। ये कैसे दिखते हैं? लाइटर इन कलर दिखते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? आई बैंड और लाइट बैंड। ठीक है, अब बेटा जो मसल के अंदर तुम्हें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन देखने जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन देखने को मिल रहे थे, उनके एक बार डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेटा ये मायोसिन है। मायोसिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जो कि छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी यूनिट को बोलते हैं मीरोमायोसिन। ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। मीरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं, लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। जो इसका हेड होता है उसे हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, और जो इसका टेल होता है उसे हम बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। जो हेड होता है, हेड पे दो बाइंडिंग साइट होती हैं। एक तो ये वाला जो इसका हेड होता है, ये जाकर एक्टिन से बाइंड करता है, और ये वाला जो हेड होता है ये किससे बाइंड करता है? एटीपी से बाइंड करता है। ठीक है बच्चों, और ये दूसरा है तुम्हारा प्रोटीन जिसका नाम है एक्टिन। एक्टिन नॉर्मली तुम्हारी बॉडी में जी एक्टिन के फॉर्म में मिलता है, यानी ग्लोबुलर एक्टिन के फॉर्म में मिलता है। और इन दी प्रेजेंस ऑफ Mg2+ आयन ये कन्वर्ट हो जाता है फिलामेंटस एक्टिन में, यानी एक रोप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो मतलब जो तुम्हारे थिन फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट्स के अंदर एक्टिन के अलावा कुछ और प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन तीन तरीके के होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। ठीक है, ट्रोपोनिन सी बाइंड्स विद कैल्शियम। किसके साथ बाइंड करता है? ये कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है। ट्रोपोमायोसिन एक पतला सा रोप लाइक प्रोटीन होता है, जो कि रेगुलर इंटरवल में फोल्डेड होता है विद दी एक्टिन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है तुम्हारा ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई क्या करता है? इनहिबिट द इंट्रैक्शन ऑफ एक्टिन विद मायोसिन। ये मायोसिन और एक्टिन का इंट्रैक्शन क्या करता है? रोकता है। ठीक है बच्चों, बेटा अब एक मसल का अगर मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूँ, एक मसल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूँ, तो उस मसल के अंदर मुझे उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी उसे हम बोलते हैं सार्कोलेमा। उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, जो कि किससे रिलीज होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ दी स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब मसल, जब तुम मसल के अंदर जाते हो, एक मसल के अंदर जाते हो, तो यहाँ पर तुम्हें मसल के अंदर
लाइट और डार्क बैंड दिखने को मिल जाते हैं। तो जब हम एक मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें दिखते हैं लाइट और डार्क कलर के बैंड। दीज आर दी मायोफिलामेंट्स, एक्टिन और मायोसिन। ये बेसिकली क्या है, एक्टिन और मायोसिन जो रेगुलर इंटरवल में अरेंज है। तो जब तुम एक मसल सेल को एक मसल सेल का माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें लाइट और डार्क कलर के बैंड देखने को मिलेंगे। जो डार्क बैंड होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, मायोसिन प्रोटीन की वजह से होते हैं। और जो लाइट बैंड होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, बोलो बोलो, लाइट बैंड किसकी वजह से होते हैं, एक्टिन प्रोटीन की वजह से होते हैं। जो डार्क बैंड होते हैं उन्हें हम ए बैंड भी कहते हैं, यानी एन आइसोट्रॉपिक बैंड। जो लाइट बैंड होते हैं उन्हें हम आइसोट्रॉपिक और आई बैंड भी बोलते हैं। तो ये एक मेरा मसल है ना, इसके अंदर ये डिफरेंट मसल सेल्स हैं। तो यहाँ पर तुम्हें मसल सेल्स में क्या देखने को मिल रहे हैं, लाइट और डार्क बैंड देखने को मिल रहे हैं। बेटा देखो, ये दो लाइंस हैं, इसके बीच में यहाँ पर ये वाला पोर्शन लाइट है और फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन डार्क है फिर से। तो यहाँ पर लाइट डार्क इस तरीके की स्टेरिएशंस देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या है, ये स्टेरिएशंस, इन्हें देख लेते हैं। मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले रहा हूँ इधर। तो जब मैंने छोटा सा पार्ट को और ज़्यादा डिटेल देखा और ज़्यादा इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा तो मुझे दिखा कि एक मसल के अंदर दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक का नाम होता है एक्टिन और एक का नाम होता है मायोसिन, जो कि अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं, है ना। एक्टिन प्रोटीन एक लाइन से अटैच होता है जिस लाइन का नाम होता है जेड लाइन। क्या नाम होता है, जेड लाइन, ठीक है। जेड लाइन पे एक्टिन अरेंज है और बीच में क्या प्रेजेंट है, मायोसिन। मायोसिन के अंदर से हेड निकलते हैं, मायोसिन के अंदर से हेड निकलते हैं इस तरीके से। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये मायोसिन के हेड एक्टिन से जाकर मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब मसल के अंदर कैल्शियम आता है। कैल्शियम क्या करता है, यहाँ पर जो एक्टिन मायोसिन, यहाँ पर ना ट्रोपोनिन सी लगा होता है, कैल्शियम क्या करता है ट्रोपोनिन सी को यहाँ से हटाता है और मायोसिन का हेड यहाँ पर आकर क्या कर जाता है बेटा, बाइंड कर जाता है। समझ में आया, तो कैल्शियम आएगा, कैल्शियम क्या करेगा ट्रोपोनिन सी को हटाएगा और मायोसिन का हेड जाकर लग जाएगा किसके साथ, एक्टिन के साथ। तो क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, क्रॉस ब्रिज, इस तरीके से क्रॉस ब्रिज बन जाएंगे। और जब ये क्रॉस ब्रिज बनेंगे बच्चों, देखो जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज बनते हैं, ये क्रॉस ब्रिज क्या करते हैं, दोनों की दोनों जेड लाइन को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो एच जोन होता है ये डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि सारा पोर्शन जो होता है ओवरलैपिंग पोर्शन हो जाता है और एच जोन खत्म हो जाता है। ये इस तरीके से इसे क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग पोर्शन। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एच जोन क्या हो जाता है बेटा, डिसअपेयर हो जाता है और ए बैंड जो होता है वो सेम रहता है, क्योंकि ए बैंड को हम किससे डिनोट करते हैं, मायोसिन से। तो मायोसिन की लेंथ तो सेम है, है ना, तो मायोसिन वैसे का वैसे ही है, तो ए बैंड की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। होगा क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आई बैंड जो होगा, ये जो एक्टिन है ये अंदर की तरफ इंटर कर जाएगा, अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ इंटर कर जाएगा, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मायोसिन अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ये जो ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन है ये कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से हम कहते हैं आई बैंड की लेंथ क्या हो जाती है, बोलो, छोटी हो जाती है। आई बैंड की लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और ए बैंड की लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अच्छा, ये जो मसल के जो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड दिख रहे हैं, इनमें से मैंने ये जो एक छोटा सा पोर्शन लिया, इस पोर्शन को हम कहते हैं सार्कोमेयर। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर, विच इज़ द कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट ऑफ मसल। इसे हम और क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। क्या बोल देते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। एक सार्कोमेयर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, टू हाफ आई बैंड्स, वन ए बैंड, वन एच जोन एंड टू जेड लाइन, ठीक है बच्चों। बेटा यहाँ पर हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एक मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे पहले CNS यानी जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो सिग्नल देता है किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन ये सिग्नल लेके आता है किसके पास, मसल फाइबर के पास, यानी सार्कोलेमा के पास, किसके थ्रू, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू। किसके थ्रू लाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी, एक तो मोटर यूनिट और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक मोटर यूनिट क्या होती है, मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद मसल फाइबर इज नोन एज मोटर यूनिट। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट क्या होता है, जंक्शन बिटवीन मसल एंड न्यूरॉन इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
तो अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों? सबसे पहले CNS सिग्नल भेजता है थ्रू दी मोटर न्यूरॉन। ये सिग्नल आते हैं मसल फाइबर के पास। मसल फाइबर से यहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। ये सिग्नल जाता है किसके थ्रू? टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू अंदर जाता है मसल के, ठीक है। और क्या करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलवाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलवाता है? कैल्शियम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला हुआ कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है? ट्रोपोनिन सी। अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि जैसे ये ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा, है ना, ये क्या करेगा, जो एक्टिन के ऊपर, मतलब ये एक्टिन प्रोटीन है और यहाँ पर क्या होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर कौन लगा रहता है? ट्रोपोनिन सी। तो कैल्शियम आकर इस ट्रोपोनिन सी को हटा देता है, तो जो मायोसिन का हेड है वो ईजिली बाइंड कर जाता है किसके साथ? एक्टिन के साथ। किसके साथ बाइंड कर जाता है बेटा? एक्टिन के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अच्छा, क्रॉस ब्रिज डायरेक्टली नहीं बनता, पहले ट्रोपोनिन कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है और क्या करता है, अनमास्किंग करता है एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट की। उसके बाद क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था मीरोमायोसिन के हेड पर एक ATP एंड होता है, ये क्या करता है, ATP को हाइड्रोलाइज करता है और एनर्जी लेता है और चार्ज मीरोमायोसिन बन जाता है। ये चार्ज मीरोमायोसिन जाकर किसके साथ अटैच हो जाता है, बोलो, एक्टिन के साथ। किसके साथ जाकर अटैच हो जाता है? एक्टिन के साथ। और क्या बन जाते हैं बेटा? क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं। और जैसे ये क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, मसल क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मसल क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मसल रिलैक्स भी होगा, है ना, मसल रिलैक्स भी होगा। तो रिलैक्स कैसे होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर भी ATP चाहिए था और रिलैक्सेशन के टाइम पर भी क्या चाहिए होता है बच्चों? ATP चाहिए होता है। एक ATP फिर से आकर मीरोमायोसिन के साथ बाइंड करेगा और मसल क्या हो जाएगा? वापस से रिलैक्स हो जाएगा। और ये साइकिल इस तरीके से चलती रहेगी। इस साइकिल को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाय हक्सले। तो एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले मोटर सिग्नल्स आए, मोटर सिग्नल्स टी ट्यूब्यूल्स पे पहुँचे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और कहाँ तक पहुँचे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँचे थ्रू दी टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कैल्शियम रिलीज हुआ, उसने क्या करा, अनमास्क करा एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट को, है ना, मायोसिन हेड ने हाइड्रोलाइज करा किसको? ATP को, ठीक है। और फाइनली जाकर बाइंड कर गया किसके साथ? एक्टिन के साथ। और क्या बना लिया? क्रॉस ब्रिज बना लिया, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन दी मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर बेटा मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है। नोट पॉइंट क्या है बच्चों? मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन बोथ रिक्वायर ATP। कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन बोथ रिक्वायर ATP। तो ये बेटा तुम्हारा पूरा मसल फिजियोलॉजी का क्या था, लेक्चर था एक। यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मसल फाइबर का डायग्राम लेके आया हूँ, ठीक है। इससे तुम्हारी पूरी मसल फिजियोलॉजी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखो, तुम्हें सबसे पहले ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है एक मसल का, उसके अंदर दिखा रखा है एक फेसिकुला है। फेसिकुलाई के अंदर तुम्हें क्या दिखा रखा है, बोलो, मायोफाइब्रिल्स दिखा रखे हैं। इन मायोफाइब्रिल्स में अल्टरनेट मैनर में क्या अरेंज है, मायोफिलामेंट्स। और जब इन मायोफिलामेंट्स का हम एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, सार्कोमेयर। और इस सार्कोमेयर के अंदर तुम्हें पता है क्या है, एक्टिन और मायोसिन। और इन एक्टिन और मायोसिन के भी क्या दे रखे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा एक्टिन का स्ट्रक्चर है और ये तुम्हारा मायोसिन का स्ट्रक्चर है। बच्चों वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन सेक्शन। तो बेटा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज मल्टी न्यूक्लियट इन कंडीशन। आंसर है तुम्हारा रेड मसल फाइबर। उसके बाद कहते हैं नेम द टू इंपॉर्टेंट आयंस रिक्वायर फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन, इसका आंसर आप लोग दोगे। फिर कहते हैं ह्यूमन बॉडी हैव हाउ मेनी मसल्स, ह्यूमन बॉडी हैव 639 मसल्स। उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बहुत ईजी है, ये भी आप लोग करोगे। उसके बाद कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज नोन एज सार्कोमेयर। कहते हैं फुल फॉर्म ऑफ एस जोन की फुल फॉर्म बतानी है, हेंस जोन, हीना जोन, हेंसन जोन और हेजार्ड जोन। बेटा जाहिर सी बात है इसका नाम है हेंसन जोन, ये बस क्वेश्चन आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। कहता है फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या फंक्शन होता है, ये आप लोग बताएंगे। कहते हैं मीरोमायोसिन कंटेन, मीरोमायोसिन के अंदर क्या 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 होता है, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। तो इसका आंसर होगा HMM और LMM, डेट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन, मसल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम क्या होगा? बेटा मैंने तुम्हें बताया एस जोन डिसअपेयर हो जाएगा, ए बैंड जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा, जेड लाइन आपस में पास पास आ जाएंगी और लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ आई बैंड जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कहते हैं एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर, एटीपी किस लिए रिक्वायर्ड होता है? तो एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रेक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन, तो इसका आंसर होगा बोथ। फिर उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंस, तो ये तुम्हारे ऑप्शन है ए बी सी डी, तुम्हारे फोर ऑप्शन है और उन्हें सिक्वेंस में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद कहता है ईच सार्कोमेयर कंटेन्स, एक सार्कोमेयर के अंदर क्या क्या होता है? दो हाफ आई बैंड होते हैं, एक कंप्लीट ए बैंड होता है और एच जोन होता है। ठीक है, दो हाफ आई बैंड, एक ए बैंड और एच जोन। तो बेटा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हुआ तुम्हारा? बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन इज करेक्ट। मसल हैव विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्वेश्चन भी आप लोग बताएंगे।